मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक नाश्ते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बनाना एकदम आसान है और ये बहुत स्वादिष्ट भी बनता है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने दो अंडे लिए हैं, जिसे पहले से ही उबाल लिया था और ये ठंडा हो चुका है। तो अब इसका हम छिलका उतार लेते हैं। दोस्तों, अंडा का छिलका उतारते समय आपने अक्सर देखा होगा कि अंडा के छिलका के साथ सफ़ेदी भी बाहर आ जाता है। तो उसके लिए आपको जब अंडा उबाले तो अंडा के ऊपर तक पानी डालें और दो चुटकी नमक ज़रूर डालें। और जब अंडा क्रैक करने लगे तो गैस को ऑफ कर दें, और जब अंडा ठंडा हो जाए तब उसका छिलका उतारें। तो चलिए अंडा को ग्रेट कर लेते हैं। अंडे को ग्रेट करते समय बारीक वाला कटर से ही अंडे को ग्रेट करें। तो अंडा अब ग्रेट हो चुका है, तो इसमें हम कुछ मसाले भी मिलाएंगे। तो मसाले में मैंने आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, एक चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच पाव भाजी मसाला, आधी छोटी चम्मच मिर्च पाउडर, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डालेंगे, धनिया पत्ता इसमें डालेंगे, थोड़ा ज़्यादा करके ही डालेंगे धनिया पत्ता, नमक आप अपने अकॉर्डिंग डालें, आपको जितना पसंद है। इसमें थोड़ी सी गरम मसाला भी मिला दें, सभी को डाल करके मिला लेंगे। कलर के लिए अगर आप हल्दी डालना चाहते हैं तो थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर दें। मैं इसमें हल्दी नहीं डाल रही हूँ, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। अब चार ब्रेड ले लेंगे, ब्रेड के किनारे वाले पार्ट को काट करके हटा देंगे। एक बाउल में पानी लेकर के अलग रख दें। तो ब्रेड के किनारे वाले पार्ट को काट करके अलग कर देंगे और इसे पानी में डाल करके दबा करके इसके सारे पानी को निकाल लेंगे। तो इस तरह से दबा करके ब्रेड के पानी को निकाल दें। अब इसे बेलन से हल्के हाथों से बेल देंगे। इस तरह से इसे हल्के हाथों से बेल लें। अब इसमें जो स्टफिंग तैयार किया गया है उसे डाल दें। ऊपर से एक छोटी चम्मच चीज़ भी डालें। चीज़ डाल करके इसे इस शेप में मोड़ करके तैयार कर लें। अगर आप चाहती हैं तो चौकोर शेप में भी बना सकते हैं। तो इस तरह से चारों तरफ से दबा दें ताकि अंदर से स्टफिंग बाहर ना आए। ये थोड़ा सा चिपक जाता है, इसलिए चाकू की मदद से इसे हम अलग कर लेंगे। तो इसी तरह से सारे स्टफिंग भर करके और पेटीज को तैयार कर लेंगे। देखिए ये कितना बढ़िया तैयार हुआ है। तो अब गैस पर पैन को डालेंगे, जब पैन गर्म हो जाए तो बटर डालेंगे। बटर भी पिघल चुका है तो अब इसमें पेटीज डाल देंगे। पेटीज को डाल करके उलट पलट के आपको सेकना है। अगर बटर और लगे तो और डाल सकते हैं। इस तरह से उलट पलट के इसे दोनों तरफ से सेक लेंगे। तो लगभग ये तैयार हो चुका है, बढ़िया से सीख चुका है। तो अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो मैंने सारे पेटीज बना करके तैयार कर लिया है। मैंने चार पेटीज तैयार किया है। तो इस तरह से आप चार पेटीज बना करके तैयार करें और गेस्ट को खिलाएं। ये गर्मा गर्म नाश्ता में बहुत ही बढ़िया लगता है। तो मैं आपको इसे तोड़ करके दिखाती हूँ ये कैसा बना है। ये चीज़ इसमें डाला गया है, इससे और ज़्यादा इसका टेस्ट बढ़ गया है। तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं। आपने बनाया तो कैसा बनाया ज़रूर कमेंट करें, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, फिर मिलते हैं, बाय।